हे गाइस इट्स मी धीर रोमांचक और आज तुम बहुत खुश होगे मेरे बाल देख के। भाई लास्ट वीडियो में मैंने पूछा था कि बेस्ट चीज क्या थी, वीडियो की तरह बता देना कमेंट सेक्शन में। तो एक बंदा मैसेज करता है जब तूने बाय बोला। हां ठीक है गुड। सो देखो भाइयों चमकीले वालों से काले हो गए हैं तुम। वीडियो अगर तुमने आज लास्ट तक नहीं देखा ना भाई पाप लगेगा, तुम्हें मैं सही बता रहा हूँ। हाँ तो भाइयों आज मैं तुम्हारी अंतरात्मा को कुछ ऐसी गलियों से आदान प्रदान कराना चाहता हूँ जहाँ पे बेरोजगार भट्टा योजना के फार्म भरने के लिए लोग अक्सर आते जाते रहते हैं। सो आज हम बात करने वाले हैं व्लॉगर्स के बारे में और व्लॉगिंग का नाम सुनते ही तुम्हारे दिमाग में आएंगे दो तीन चेहरे जिनमें से हम चूज करेंगे जो सबसे फेमस है जिनके नाम पे ज्यादा व्यूज मैं खा सकता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं सौरभ जोशी के बारे में। Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. जी हाँ वही सौरभ जोशी जो अपने आप को शीशे में देखने से ज्यादा खुद को पायल जोन के थंबनेल में देख लेते हैं। पीयूष ने एक्सपेरिमेंट कर दिया। अरे सौरभ भाई जब तुम हर दूसरे महीने मिस्टर इंडियन हैकर से मिलोगे तो बच्चों पे तो बुरा असर पड़ेगा ही ना। यार बच्चों का भी कुछ नहीं भाई यार, जिंदा सिकंजी बना दी और उसे एक्सपेरिमेंट का नाम दे रहे हैं। डीजे तेरे ब्रो से और अब भाई इन प्यारे बच्चों को जो है ना दिलराज भाई से दूर रखो। काला जादू आता है इस इंसान को, रात के 12 बजे आत्मा बुला लेते हैं ये। भूत प्रैंक ऑन पीयूष एंड कुनाली। हरा भाई कहा था ना दूर रहो इससे, अब बन गए ना भूत। और भाई ये नुमाइश के हर माल 10 रुपए वाली दुकान से लाए हुए मास्क को पहनने के बाद ना भूत नहीं कुछ और ही लग रहा है, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, तुम अच्छे इंसान हो। सौरभ भाई 10 रुपए भी क्यों खर्च करने, बच्चों को डराना अपनी व्लॉग से दिखा दो। और सौरभ भाई जब इतने एक्सपेरिमेंट हो ही रहे हैं तो एक एक्सपेरिमेंट और ट्राई करो ना कंटेंट स्विच करने का। मैगी के लिए लड़ रहे, अरे सौरभ भाई अगर यही सब काम करवाने हैं तो बिग बॉस चले जाओ ना, क्योंकि खाने के लिए लड़ने पे जो है वहीं पे हफ्ता सही मिलता है। मैं ऑमलेट खाऊंगा। पीयूष शॉपकीपर बन गया, अरे यार सौरभ भाई ये फ्यूचर में डालने वाले टाइटल अभी क्यों डाल रहे हो। पीयूष ने कुनाली को छुपा दिया, अरे सौरभ भाई पीयूष को रोको, क्यों छुपा रहे हो कुनाली को, कुनाली को छुपाने के चक्कर में कहीं चैनल के 2 मिलियन सब्सक्राइबर ना चले जाए। फोन ले गया हमारी गाड़ी खुली। भाई इसे भाइयों के बीच की मोहब्बत नहीं ठरक कहते हैं। और सौरभ भाई ये पीयूष का क्या सीन है, हर जगह कपड़े उतारने तैयार हो जाता है। और उससे बड़ा मेरा तुमसे सवाल है, तुम रिकॉर्ड करके उसे डाल के देते हो यूट्यूब पे। तुम्हारी अच्छे के लिए एक बात बताता हूँ, ये जो यूट्यूब के चाइल्ड सेफ्टी वाले वो है ना रूल्स बड़े बुरे है, रातों रात चैनल गायब करवा देते हैं। गाइज बहुत बुरा फंसे आज, चारों तरफ गाड़ियां चल रही है, मर मर के चल रही है गाड़ियां। गाइज मेट्रो बेस्ट है दिल्ली के लिए, खुद की गाड़ी में तो भाई बहुत ज्यादा देर लग जाती है पहुंचने में। बेटा शाम का टाइम, एक काम करते हैं गाड़ी पार्क कर देते हैं, मेट्रो में चलते हैं। पीयूष भाई दिल्ली के मेट्रो का नाम मत लो, ये जो व्लॉगर्स और दिल्ली मेट्रो का कनेक्शन है ना ये बहुत बुरा है, इसका जो रिकॉर्ड है वो बिल्कुल साफ नहीं है, इसलिए अपनी फॉर्च्यूनर से आराम आराम से चले जाओ, जाम है कोई दिक्कत नहीं है। सारे गुब्बारे फुलाओ, गार्ड बांधनी है। अरे सौरभ भाई व्लॉग एडिट कर दो, देख नहीं रहे हो क्या, जो कि पोस्ट करने के बाद में एडिट करना पड़ रहा है। नहीं मैंने माना बहुत ज्यादा बर्डन रहता है, दिन के 2 व्लॉग भी डाल देते हो कभी कभी, लेकिन थोड़ा देख के डाल करो, पोस्ट करने से पहले एक बार देख लिया करो, थोड़ा अच्छा रहता है। माल वाले दिख जाएगा। सौरभ भाई ये सारी वीडियोस देखने के बाद मैं एक बार फिर से तुमसे कंफर्म करना चाहता हूँ, पक्का फैमिली फ्रेंडली चैनल है ना, क्योंकि ये सब देखने के बाद जो है जोनी जोनी यस पापा नी, जोनी जोनी यस डैडी नजर आ रहा है। फार्म हाउस पे पोपट हो गया, सौरभ भाई पोपट बहुत होता है यार। टूटेगा म्यूजिक। अरे यार चोट लग जाओगे यार भाई के, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। अरे फिर से मत ट्राई करो सौरभ भाई, फिर से गिर जाओगे। अरे यार मैं बहुत हरामी हूँ, मम्मी ने बताया था किसी के गिरने पे हंसना नहीं चाहिए और मैं हंस रहा हूँ पागलों की तरह। वैसे सौरभ भाई गिर तो हमारी एक्सपेक्टेशन भी रही है तुमसे, मगर ये वाला डाउनफॉल हमसे नहीं सहा गया। ख्याल रखो यार व्लॉग व्लॉग बनाना एक तरफ, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, मम्मी ने बहुत डांटा। अरे सौरभ भाई ऐसी हरकतें करोगे तो मम्मी डांटेगी ना, गुंजिया खिला के मुंह तो मीठा कराएंगी नहीं। मैं बता रहा हूँ अगर मम्मी होती ना यूट्यूब पे, मम्मी डेली हमारे ऊपर वीडियो बनाती, इतने रोस्ट मारती हूँ मेरे को। अरे सौरभ भाई इसकी जरूरत क्या है, पायल जोन बैठी तो है, आंटी को तुम रेस्ट करने दो आराम से। हमारा ना टीवी खराब हो गया, देखो इसके कलर्स खत्म हो गए पूरे। जल्दी बताओ क्या किया आपने। मैंने कुछ नहीं किया। क्या किया? बस ऐसे देखा, पता नहीं क्या हो गया। फुटबॉल तो नहीं मारी स्क्रीन पे? एक टूट जाता है स्क्रीन तो फुटबॉल मार।
अरे सौरभ भाई यार, तुम ज्यादा दिमाग तो वो बच्चा चला रहा है उधर, बॉल पड़ती तो टीवी फूट जाता। था ठुक गई दिल्ली में यार, फिर से दिल्ली में। सौरभ भाई दिल्ली मत जाओ, अपने हल्द्वानी में रहो, मस्त उत्तराखंड घूमो। मैंने बोला ना दिल्ली और ब्लॉगर्स का जो रिलेशन है वो अच्छा नहीं है। ये रोड मेरी फेवरेट है, यहाँ पे मस्त मस्त फूल देखते हैं। मेरी भी सौरभ भाई, मेरे तो आप भी फेवरेट हो। इनकी गाड़ी लग गई यहाँ पे, नुकसान तो हो गया। रोड पर गाड़ी चलती है, लगती रहती है। नहीं, आप ये बात दुनिया की गाड़ी चलती है, आपकी गाड़ी में अभी आपकी गलती से लगती है, आप क्या बोलते हैं? अब आप ये बताओ, आप कैसे जस्टिस करना है? हम अभी पुलिस को बुलाएं, वो फैसला करे, थाने चलें? आपको लग रहा हमारे से लगे? सौरभ भाई रोड तो बतेरी चौड़ी लग रही है यार, पक्का तुम ब्लॉग बना रहे हो उस टाइम पे जिस टाइम पे लगी है। बट नॉट अ बिग डील यार, स्क्रैच स्क्रैच आया, किसी को चोट वोट लगती तो समझने या सोचने वाली बात होती। अभी तो अंकल जो है क्लाउड खाने आ रहे हैं, साथ ही साथ पैसे भी। आपके खड़ी गाड़ी मैंने लाके अभी गाड़ी में थोड़ा मार दी सर, आप भी आगे बढ़े मैं भी खड़ा हूँ। अरे ओके भाइयों, सौरभ भाई तो चला ही नहीं रहे थे। सौरभ भाई इज अ गुड ड्राइवर यार, वो हाँ भैया ने टोक दी दूसरे वाले, ठीक है। अरे हमारी गलती है, हमारी गलती, सॉरी सॉरी सॉरी। मुझे ना भाई बस सौरभ भाई जितना डेडिकेटेड होना है सब चीज के लिए। देख रहो जिंदगी में कुछ भी चले लेकिन काम चलता रहना चाहिए लगातार। नहीं मतलब वहाँ पे पूरी लफड़ेबाजी चालू है लेकिन सौरभ भाई यहाँ से कैमरा नहीं छूट रहा है। लेकिन कैमरा छूटे भी क्यों, ब्लॉग का टाइटल जो मिल रहा है साथ साथ। आप ये बताओ, आप कैसे जस्टिस करना है? हम अभी पुलिस को बुलाएं, वो फैसला करे, थाने चले? आपको लग रहा हमारे 2000 रुपए मांग रहे इसके? अरे हो जाता सर, सर मैंने बहुत बार कराया लेबर की तरह। अरे सौरभ भाई यार, आप तो व्लॉगर्स के नेशनल चेहरे हो यार, 1000-2000 देके मामला रफा दफा करो। जी तुम तो बुजुर्ग आदमी हो यार, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करो, ये 1000 की चिंदी में पुलिस थोड़ी बुलाई जाती है। ओ पुरसा की पुरसा, भाग आ जाओ बेटा बाप भैया। अच्छा मोटी भाई कराया बाबा, तुमने पुलिस बुलाई, हवलदार आके 5000 ले जाएगा। ऐसे के लिए पुलिस को बुलाएंगे, मेरी गाड़ी तो रोज ठुकती रहती है भाई, रोज ठुकती रहती है। सौरभ भाई व्लॉगिंग के साथ साथ ड्राइविंग स्कूल भी ज्वाइन कर लो यार। वैसे तो आप फिजिक्स वाला की शादी में गए थे ना? हाँ क्वाइट रिलेटेबल, क्योंकि दोनों का जो चैनल है वो बच्चों की वजह से ग्रो हुआ है। सौरभ भाई अच्छा हुआ तुम शादी में जो है पापा जी को नहीं लेके गए अपने, नहीं तो वो वहां जाके भी बोलते थे। इससे अच्छे तो अपने व्लॉग्स होते हैं, इससे तो अपने व्लॉग बढ़िया होता है यार। कसम नोकिया 607 के कैमरे की, वहीं पे रेवोल्यूशन आ जाता। No one can stop this revolution! पीयूष और कुनाली ने रुला दिया। अरे सौरभ भाई यार, आपको अपने रोने की तो दिक्कत हो रही है और ये जो तुम 19 मिलियन लोगों को रुला रहे हो उसका क्या? मेरे साथ में बहुत गलत हुआ, इन्होंने मुझे बहुत मारा है। अरे ये अचानक से पायल जोन की आत्मा कहाँ से आ गई भाई तुम्हारे अंदर? नमस्कार दोस्तों। और सौरभ भाई फेस पे फिल्टर लगा रहे हो, थोड़ा कंटेंट में भी लगाओ ना। अरे भाई अरे भाई अरे भाई 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 भाई, ये तो सही में जोनी जानी यस पापा वाला सीन हो रहा है। तू तो पहचान में नहीं आ रहा भाई, बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा। पीयूष भाई मुझे वो क्यों लग रहा है, क्या बोलते हैं मूवी नहीं थी यार अमिताभ बच्चन की, पा मुझे अकेले लटकते हुए मैं छोड़ के जाओ, मेरे को छोड़ के चले गए सब, मैं पहाड़ों के बीच में लटक गया। अरे सौरभ भाई कहीं ये रोप राइडिंग करवाने वाला तुम्हारा सब्सक्राइबर तो नहीं है, कभी तुम्हारे व्लॉग्स देख देख के परेशान हो गया और तुम्हें बीच उसमें लटका के छोड़ गया हो। भाई मैं ये कह रहा सुन, कैमरा भी छीन लियो यार जरा। अभी कोई नहीं सौरभ भाई, फंस गए हो तो 100-200 ज्यादा दे दो, लैंड करा देगा भाई, लैंड करा दे भाई मेरे। लिफ्ट ऑफ स्टार्ट करना है, इस तरह आपका बॉडी पोस्चर अच्छा बनेगा, आपकी स्पीड बनेगी। ओके ठीक है ठीक है। और लेफ्ट हैंड का क्या करना है? लेफ्ट हैंड यहाँ पे रहेगा ऑल टाइम। अच्छा हमेशा पकड़ना। ओके इसको कहीं नहीं 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 नहीं, लेफ्ट हैंड में कैमरा पकड़ना भाई। ये गलत टिप्स दे रहा सौरभ भाई, इसकी मत सुनो। राइट हैंड से रस्सी, लेफ्ट हैंड में कैमरा, ठीक है? दैट्स इट। साहिल को चिकन पॉक्स हो गया और यहाँ पे खा रहा है साहिल अपना खाना मस्त, जो एक्सपीरियंस मैंने लिया था वो साहिल ले रहा है। अरे सौरभ भाई चिकन पॉक्स निकले हैं तो दवाई खिलाओ ना, वीडियो क्यों बना रहे हो? लोगों के चिकन पॉक्स में तो दाने निकलते हैं लेकिन यहाँ तो कंटेंट निकल गया दोस्त। कैसे देख रहा है, पुलाव खाएगा क्या? देखो हाँ भी नहीं कह रहा। अरे सौरभ भाई उसे पुलाव नहीं बिरयानी खानी है, कुत्ते को नॉनवेज पसंद होता है। देखो हाँ भी नहीं कह रहा। और हार ना का क्या सीन है सौरभ भाई, है वो बेचारा डोरेमोन का ट्रांसलेटर टूल लगा के थोड़ी बोलेगा। मैंने माना सौरभ भाई तुम कुछ टाइम पहले जो है चैनल पे कार्टून बनाया करते थे, अभी उस दुनिया से बाहर आओ भाई, नहीं है डोरेमोन का ट्रांसलेटर रियल लाइफ में। इतना सफेद क्यों लग रहा है आज, नहाया क्या? नहाया क्या इसने? जब कुत्ता ही सफेद कलर का है तो सतरंगी थोड़ी दिखेगा। मुझे एक बात क्लियर नहीं है, ये अपने आप को इंसान समझते हैं, हमको कुत्ता समझता है भाई? ये कौन सी 8वीं क्लास की साइंस दौड़ाई जा रही है यार? देखो इंसान बनाया जा रहा है, इंसान को कुत्ता बनाया जा रहा है और ऑडियंस को पागल बनाया जा रहा है भाई। ओरियो भी कभी कभी सोचता होगा यार, अरे भाई कुत्ता हूँ गाय नहीं, जो तुम मेरी इतनी मिल्किंग कर रहे हो। सारा मिल्क खत्म हो गया। अच्छा अरे सौरभ भाई जब इतनी मिल्किंग करोगे तुम तो एक ना एक टाइम तो दूध खत्म होना ही था।
24 आर इन अ कार चैलेंज। भाई इतना मस्त लग रहा है, मैं भी करके देखता हूं अपनी। तो पीयूष जी अपनी सीट बिल्कुल सीधी कर रहा है भाई, तो बिल्कुल तेरे लिए तो बिल्कुल कंफर्टेबल है भाई। वही तो। हाँ, तेरी सीट पीछे जाती है। सही है गाइस, तीनों भाई ऐसे जाएंगे। वैसे सौरभ भाई ये जो चैलेंज है इतना टिपिकल है नहीं, क्योंकि वैसे भी तुम घर से ज्यादा तो गाड़ी में ही दिखते हो। और भाई थोड़ा तीनों बच के रहना यार, क्योंकि गाड़ी में जो है बिस्तर के साथ तीन लौंडे सही नहीं लगते यार। भाई आप भागने कहाँ गए थे? अरे यार भाई कहाँ जरूरत है जाने की, वीडियो में करते रहा है। ओके गाइस, वीडियो तरी खत्म करते हैं। अगर तुम्हें देख के मजा आया तो लाइक कर दिया भाई, एम रखेंगे भाई इस वीडियो पे हम लाइक्स का और कमेंट्स का भी। सबसे पहले लाइक का एम रख रहे हैं भाई हम, 130,000 लाइक्स और 7-8,000 कमेंट कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना ठीक है। और इस तरह का ऐसा प्यारा सा सुंदर सा रोस्ट और चाहिए तो बताओ।